एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। वर्टिकल ताने पर्पल कलर की रस्सी में चार और ऑरेंज कलर की रस्सी में चार लिए हैं। चार पर्पल, चार ऑरेंज, चार पर्पल, चार ऑरेंज, चार पर्पल, चार ऑरेंज, और ये है सेंटर पॉइंट। ये और सेंटर पॉइंट में हमने एक दो और तीन लिए हैं। हमने इसके सेंटर निकाला हुआ है और सेंटर में हमने तीन ताने लिए और उसके बाद इस तरह से चार चार ताने आगे खींचे हैं। वर्टिकल में जिस रंग की रस्सी का इस्तेमाल किया है उसी तरह से हम ओरिजिनल रस्सी इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों स्टूल की एक नई डिजाइन शुरू करते हैं। पूरे ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने चार कपल पर्पल कलर की रस्सी में लिए हैं। तो हम लेंगे पहले पर्पल कलर की रस्सी और इस तरह से हम फंदा बना देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से फंदा बना देना है और उसको इस तरह से नीचे निकालेंगे। देखिए, और हुक लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, स्टूल की एक नई डिजाइन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये जो चार कलर, चार कपल है पर्पल कलर की रस्सी में, उसको क्या करना है, नीचे कर देना है और ये चार कपल उठा लेना है। ऑरेंज में चार कपल उठाएंगे और पर्पल के चार कपल नीचे रखेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए, और ये है सेंटर पॉइंट। देखिए दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, और यहाँ पर इसको, इस चेन को इस चेन में हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, ध्यान से देखना। इस तरह से पर्पल का एक कपल उठा लेंगे इस तरह से। देखिए, और तीन पर्पल के कपल और एक ऑरेंज के कपल, इस तरह से टोटल चार कपल नीचे करेंगे और चार उठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से और इस तरह से। अब आ गया है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में क्या करना है दोस्तों, ये सेंटर वाला एक कपल इसको नीचे कर देंगे और ये चार उठा लेंगे। यहाँ पे जिस तरह किया गया है वैसे यहाँ पे हम करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने एक कपल उठाया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी एक कपल उठाएंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब हम दो कपल उठाएंगे, पर्पल के दो कपल लेंगे और चार कपल नीचे और चार कपल ऊपर, चार नीचे चार ऊपर, चार नीचे चार ऊपर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेंटर में हम इस तरह से रहेंगे। देखिए, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, एक और एक, दो रस्सी ली और इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए, और इस तरह से खींच लेना है दोस्तों। एक दो तीन, तीन कपल हमने मुकम्मिल हो गए हैं। अब हम चौथा कपल लेंगे इस तरह से। ध्यान से देखना, चार कपल पर्पल के और चार कपल ऑरेंज के। जिस तरह से हमने वर्टिकल लिया है उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लेना है। देखिए दोस्तों, ये है सेंटर पॉइंट। और ये सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा वो मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा कि इसके लिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, और इस तरह से हम झंझी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से। देखिए दोस्तों, और वापस खींच लेना है इस तरह से। दोस्तों, पर्पल कलर की रस्सी में चार ताने मुकम्मिल हो चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे चार कपल लिए उसी तरह से यहाँ पे भी चार कपल लेना है। अब लेंगे हम ऑरेंज कलर की रस्सी और इसको कैसे ऐड करना है बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से घेरा लगा लीजिए, मजबूत घेरा। देखिए, और ये जो पर्पल कलर की रस्सी है हमने पीछे छुपा दी है,
इसको काटना भी नहीं है, इसको ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से गिरा लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, एक कपल को नीचे करके एक दो तीन चार कपल लेंगे इस तरह से, देखिए दोस्तों। और चार पर्पल के उठा लिए और चार ऑरेंज के नीचे कर दिए। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और डिजाइन खुद ब खुद बनती जाएगी दोस्तों। पूरे ध्यान से देखना आप, पूरे ध्यान से देखना, गौर से देखना, और मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर भी आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा। देखिए इस तरह से, और इसको हम इस तरह से जंजीर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पर्पल का एक कप नीचे कर देंगे और चार कपल उठा लेंगे। देखिए एक दो तीन चार, तीन कपल पर्पल कलर की रस्सी में और एक ऑरेंज कलर की रस्सी में। यहाँ पे भी तीन ऑरेंज कलर की रस्सी में, एक पर्पल कलर की रस्सी में, इस तरह से। देखिए देखिए आप भी इस तरह से दो अलग अलग रंग की रस्सी से डिजाइन जरूर बना सकते हो दोस्तों। देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने एक कपल नीचे किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। देखिए अब हम दो कपल नीचे करेंगे, एक दो तीन और चार, चार कपल ऊपर और चार कपल नीचे, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखिए इस तरह से, और ये आ गया सेंटर, तीन इस तरफ और एक सेंटर वाला, टोटल सात कपल हम नीचे करेंगे इस तरह से। देखिए देखिए दोस्तों, ऑरेंज कलर की रस्सी में हम तीसरा ताना ले रहे हैं। देखिए इस तरह से चार चार कपल ले रहे हैं, और सेंटर में एक कपल आएगा, तीन कपल आएंगे, पांच कपल आएंगे या सात कपल आएंगे इस तरह से। देखिए देखिए अब हम इसको जंजीर बनाएंगे। देखिए इस तरह से पर्पल कलर की रस्सी एक दो तीन चार नीचे कर देंगे और चार उठा लेंगे इस तरह से। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे बहुत मोहतराना गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों चार कपल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम नीचे से निकालेंगे पर्पल कलर की रस्सी इस तरह से। देखिए देखिए दोस्तों इस तरह से पर्पल कलर की रस्सी निकालेंगे। देखिए चार कपल नीचे कर देंगे, चार ऊपर। देखिए इस तरह से दोस्तों आगे कंटिन्यू करना है। दोस्तों चारपाई, कुर्सी, टेबल, सोफा, झूला वगैरह वगैरह अलग अलग डिजाइन में किस तरह से बुनाई की जाती है, किस तरह से डिजाइन की जाती है, वो सब आप इस चैनल पर देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको विविध प्रकार के डिजाइन देखने को और सीखने को मिलेगा, चारपाई, कुर्सी, टेबल वगैरह वगैरह आप जरूर सीख सकते हो। कृपया वीडियो को पूरा देखना, सभी वीडियो देखिए दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों आपको मैं स्टूल बुन कर बता रहा हूँ। देखिए देखिए दोस्तों अब हम ऑरेंज कलर की रस्सी निकालेंगे पीछे से इस तरह से। देखिए और ये है सेंटर पॉइंट, हमने मार्किंग किया हुआ है, और सेंटर में क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जरूर देखना। देखिए दोस्तों आपके पास जो भी दो अलग अलग रंग की रस्सी हो इस तरह से आप डिजाइन बनाइए। देखिए दोस्तों देखिए, और ये जो सेंटर है दोस्तों हमने यहाँ पे
यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मेजरमेंट करके सेंटर निकाला है, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी सेंटर निकाला है। और ये सेंटर में कितनी रेसी आएगी वो साइज पे डिपेंड करती है और इसकी रस्सी की मोटाई पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो सेंटर में मार्किंग कर लिया है, एक आ सकती है, तीन कपल आ सकते हैं, पांच कपल आ सकते हैं, सात कपल आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए कुछ देर में आपको दोस्तों मैं आपको सेंटर में किस तरह कितने कपल आएंगे वो भी बताऊंगा। तो बिना स्किप किए, बिना जंप किए वीडियो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में बच्चों का झूला बुन कर बताया गया, डिजाइन बताई गई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखना। और जंजीर वाली माइक किस तरह से बुनी जाती है वो भी आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखना, बहुत खूबसूरत माई है दोस्तों, डिजाइन बन के बताई गई है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, बस इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। और सेंटर के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में जानकारी देता हूँ, आप पूरे ध्यान से देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सेंटर पॉइंट डिजाइन के लिए बहुत महत्व रखता है दोस्तों। देखिए इस तरह से चिपका देना है। देखिए दोस्तों इस तरह से डिजाइन दिख रही है ना, देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों अब हम पर्पल कलर की रस्सी निकालेंगे। देखिए दोस्तों अब सेंटर करीब आ गया है। जिस तरह से यहाँ पे हमने सेंटर में तीन कपल लिए उसी तरह यहाँ पे भी तीन कपल आएंगे, बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए सेंटर में क्या करना है, सेंटर के बाद कैसे डिजाइन कंटिन्यू करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो बने रहे, जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहे दोस्तों। हर वीडियो में यहाँ पे आपको कुछ नया दिखाया जाता है, कुछ नया सिखाया जाता है। तो चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हौसला अफजाई होती है दोस्तों हमारी। देखिए इस तरह से चिपका देना है, देखिए दोस्तों। और एक कपल हो गया है पर्पल कलर की रस्सी में। और अब जो कपल आएगा वो है सेंटर पॉइंट, देखिए दोस्तों इस तरह से। देखिए ये मार्किंग आ गया है, देखिए दोस्तों दिख रहा है ये। अब आएगा हम सेंटर और इसको देखिए दोस्तों इस तरह से देखना है दोस्तों। इसी तरह आगे आप आगे बढ़ते जाओगे डिजाइन खुद बहुत बनती जाएगी। अब हम सेंटर में आ गए हैं और सेंटर के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी आप ताना खींचता देख रहे हो ये सेंटर वाला ताना है, देखिए दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देखिए ये जो मार्किंग किया है यहाँ पे आएगा ये सेंटर पॉइंट, देखिए दोस्तों देखना ध्यान से। एक कपल और दूसरा कपल, हमने चार चार कपल लिए हैं लेकिन सेंटर में हम तीन कपल लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे भी तीन कपल आए। और ये है सेंटर पॉइंट। अब क्या करना है दोस्तों, सेंटर से इस तरफ की जो रस्सी है जिस सीक्वेंस में उसकी कॉपी करना है, उसी कलर में जाना है और उस तरह से जाना है। अब देखो ये इस तरह से लिए तो हम क्या करने का, इसको इस तरह से कर लेंगे इस तरह। देखिए दोस्तों ये जो रस्सी है उसी कॉपी करना है, देखिए इस तरह से, देखिए इसकी कॉपी करना है, इसकी कॉपी करेंगे देखिए। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में बनना है, उसी कलर की रस्सी लेना है और वो रस्सी जिस तरह से चली है उसी तरह से हमें अगली रस्सी चलाना है और डिजाइन हमारी कंप्लीट होती जाएगी। देखिए दोस्तों देखिए, और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से चिपका देना है।
दोस्तों जब आप पीड़ा बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो ताने खींचो उसको टाइट रखना है ताकि इसमें और कोई प्रोविजन नहीं है बाद में लूज हो जाए। इससे बेहतर है जब बुनाई करो तो इसको टाइट रखना है। दोस्तों देखिए ये सेंटर पॉइंट हमने इसकी कॉपी की, अब क्या करना है, ये जो है ताना जिस कलर की रस्सी ली है उसी कलर की रस्सी लेना है और जिस तरह से ये ताना खींचा गया है उसी तरह से ये भी करेंगे। देखिए दोस्तों पर ऑरेंज कलर की रस्सी निकालेंगे इस तरह से, देखिए और ये इस तरह पे है, एक दो तीन है तो यहाँ से एक दो तीन इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखिए दोस्तों इस तरह से ये देखते हो, बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है और डिजाइन खुद ब खुद बनती जाएगी। देखिए दोस्तों सेंटर के बाद हमने इसकी कॉपी की है, ये सेंटर है उसके बाद ऑरेंज कलर की रस्सी किस तरह से डिजाइन की गई है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद हम पर्पल कलर की रस्सी लेंगे और पर्पल कलर की रस्सी में भी 40 कपल लेने हैं और इस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों आपको एक ताना खींच के बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ और इसी तरह यहाँ पे जिस तरह किया है उसी तरह से आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए ये एक दो तीन है, यहाँ पे एक दो तीन और यहाँ पे चार, देखिए इस तरह से देखिए ये एक दो तीन चार पाँच इस तरह से पाँच, इसी तरह से कॉपी करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे भी तीन आई, यहाँ पे भी तीन आई, बस इसी तरह हमें आगे बढ़ना है और डिजाइन कंप्लीट होती जाएगी। देखिए दोस्तों और इस तरह से दोस्तों आपको ये काम कैसा लगा अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको हस्तकला में अभिरुचि है और ये सब काम आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग डिजाइन बुन कर बताया जाती है, हर वीडियो में आपको कुछ नया सिखाया जाता है कुछ नया बताया जाता है, तो कृपया चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको ये काम कैसा लगा कि पीड़े की मुंडे की या स्टूल की डिजाइन कैसे लगी अपना कीमती अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों अब अपने भाई को अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नया दिखाया जाएगा कुछ नया सिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।